लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री पर तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने ये स्वीकार कर लिया है कि राजनीति करना उनके अकेले के बस की बात नहीं है और इसीलिए उन्होंने प्रियंका गांधी को मदद के लिए अपने साथ राजनीति में शामिल कर लिया। देखिए ये रिपोर्ट। सियासत में प्रियंका की एंट्री पर ताई का तंज। लोकसभा स्पीकर बोली, राहुल अकेले राजनीति नहीं कर सकते। प्रियंका के बहाने राहुल पर सुमित्रा महाजन का निशाना। ये है ताई का सियासी अंदाज। प्रियंका गांधी की कांग्रेस में औपचारिक एंट्री होने के बाद तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। लोकसभा स्पीकर और भाजपा नेता सुमित्रा महाजन ने भी प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव बनाए जाने पर बयान दिया है। यही नहीं, सुमित्रा ने इसी बहाने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज भी कसा है। मैंने तो उसको ये देखा कि केवल अकेले प्रियंका के नहीं, हमारे मध्य प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है। हमारे ज्योतिरादित्य जो को अखिल भारतीय महामंत्री बनाया और एक पूरे आधा उत्तर प्रदेश का हिस्सा उनको दिया है संभालने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। दरअसल गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष महाजन शहर में थी और अनेक कार्यक्रमों में शामिल हुई। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रियंका गांधी के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी एक अच्छी महिला है, राहुल जी ने स्वीकार कर लिया है कि वो अकेले राजनीति नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने प्रियंका की मदद ली, ये अच्छी बात है। और इसका अर्थ यही हो गया कि कहीं ना कहीं राहुल जी की ये बात समझ में आ गई कि इतना हिंदुस्तान ये सब राजनीति संभालना मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से नहीं हो सकता है, तो इसलिए प्रियंका जी की भी मदद ले रहे हैं, उनको भी मैदान मिलाए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनको लगता है नहीं नहीं ये अपने बस की बात नहीं, तो अच्छा है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका को कांग्रेस का महासचिव बनाने की घोषणा की। इसके साथ ही प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी दी गई है, जिसे कांग्रेस के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।